Hi guys, hi everyone, hi, hello, क्या बोलूँ, बहुत महीना हो गया. I mean, it's been a 1.5 month, मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, कोई वीडियो नहीं डाला, तो इंट्रो करने के लिए मुझे बहुत सारा टेक लेना पड़ा. एंड ऐसे घिसा पिटा ऐसे इंट्रो भी करना नहीं चाहती थी मैं, तो इसीलिए. एंड आई एम रियली रियली सॉरी, मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, मैं डाल भी नहीं पा रही थी. क्या करें, ज़िंदगी की उस पड़ाव पर हूँ जब ज़िंदगी झंड लगने लगती है ना, मतलब दिल दिमाग शरीर आत्मा कुछ काम नहीं कर रहा होता. तो अभी फ़िलहाल उस स्टेज पर हूँ, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है. एंड एक्चुअली ना, मैंने व्लॉग बना के रखा हुआ था, आई मीन आधा 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 करके मैं बहुत पहले, महीना पहले भी बना के रखा था. जब मैं दोईमुख सोईमुख जा रही थी, तब समर का ही टाइम था, अभी तो विंटर आ रहा है. एंड उसका आधा क्लिप है, फिर मैं जीरो गई थी रिसेंटली, उसका आधा क्लिप है. मैंने तब भी सोचा था व्लॉग बनाऊंगी, बट नहीं बना पाई. एंड इसके बाद मैं जब भी बनाने के लिए शुरू करती थी, इसके बाद आधा में ही ख़त्म हो जाता था. तो मैंने सोचा वो जो आधा 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 क्लिप है ना, उसको एडिट करके डाल लूँ और व्लॉग बनाने का स्टार्ट कर दूँ फिर से, क्योंकि कुछ भी तो नहीं कर रही अभी फ़िलहाल, और मन भी नहीं हो रहा था इसीलिए. एंड या मतलब यही बताने के लिए मैंने, मतलब मैं आई हूँ. तो मैं वीडियो डालूँगी अभी, और जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ वो सब पुराना लव व्लॉग्स है, जो पहले 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 मैंने आधा 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 खींच के रखा था. मेरा फ़ोन बहुत फंबल कर रहा है क्योंकि मैं अपने हाथों से कर रही हूँ. तो देखना वीडियो व्लॉग एंड शुरू करते हैं, और फिर से मैं नहीं बोलूँगी मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाऊँगी ऐसा. आई डोंट नो, लेट्स सी, ज़िंदगी कहाँ लगी रहती है. फ़िलहाल तो ये वीडियो, ये व्लॉग, जो भी जो मैंने क्लिप आधा 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 करके बनाया है, उसे एंजॉय करना प्लीज. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आप सभी को स्वागत है मेरे नए व्लॉग में, मेरे नए व्लॉग में और मेरे चैनल में. मैं सोकर पहले ही उठ गई थी, आज है संडे, बट लेट लेट के अभी बस उठी हूँ और ब्लॉग बनाने का सोची. एंड फीलिंग वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड सुबह सुबह ही, बिकॉज इट्स दैट टाइम ऑफ मंथ. बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है जिसके बाद पेन, ओह माय गॉड. तो आज का ये प्लान है कि मुझे दोईमुख जाना है, मेरा भाई वापस आ रहा है ज़ीरो से, तो उसके आने से पहले घर की साफ सफाई कर देनी है. एंड मैं पहले भी गई थी उसके घर, तो वहाँ से मैंने कंबल वगैरह बेडशीट वगैरह लाया था धोने के लिए, तो अभी उसको पहुँचा देना है वापस. और उसके लिए सब्जी वगैरह और खाना पीने का कुछ बंदोबस्त कर देना है वहाँ जाके. तो इसीलिए तो मैं सोचा आज व्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ ए डे इन माई लाइफ कि आज मैं पूरा दिन क्या करती हूँ. पता नहीं तकलीफ होने वाला है आई गेस, क्योंकि एब्डोमेन पेन हो रहा है एंड बॉडी बहुत 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 ज़्यादा पेन हो रहा है. रात को मैं नहीं सो पाई, मेरा पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था. आई डोंट नो कि आज का दिन कैसे होगा, तो लेट्स सी, देखते हैं. फिलहाल तो अभी मैं प्रेशअप कर लेती हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी कर लेती हूँ, फिर रेडी होने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट मिलती हूँ. तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं. तो गाइस फाइनली अभी मैंने सुबह वीडियो बनाया था, बट अभी कितने, 2:30 हो चुके हैं, पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएगा. तो अभी जा रहे हैं हम लोग पूरी तैयारी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया. एक्चुअली सुबह जाना था, सुबह जाके जल्दी करके जल्दी वापस आएगा सोचा था, बट कोई नहीं, अभी जा रहे हैं हम लोग, आप लोगों को मिलती हूँ मैं आगे.
गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और ये है भाई का कमरा छोटा सा, पूरा ये जोर से कुछ सुखा दिया, पूरा गंद दे रहा है पूरा नाला। एंड यहाँ पर है किचन, दोनों में है रेंट, मैं भाई यहाँ पे पड़ता है तो इसलिए तो अभी साफ सफाई करनी है। अभी तक नहीं पहुँचा है, 14 पहुँच गया वाला था तो अभी जल्दी पहुँच जाएगा होगा, तो जल्दी जल्दी पहले साफ सफाई कर लेते हैं इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। साफ सफाई जारी है, पानी ही नहीं आ रहा है, बिना पानी का कैसे साफ सफाई होगा। फिनाइल वगैरह यूज करके बहुत गंदा हो गया था, अभी ये सबको भी साफ करना है। तो दोस्तों हम लोग अभी पानी नहीं आ रहा था घर में, इसीलिए वहां जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं चावल वगैरह लेने के लिए भाई के लिए। घर में पानी नहीं आ रहा और बिना पानी का तो काम नहीं होगा, इसीलिए रास्तों में बाइक स्कूटी वाला लड़का बहुत बच्चा था। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और बहुत एक महीना हो गया है समथिंग तो मैंने व्लॉग नहीं डाला, तो वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 1 मंथ। एंड देखिए मैं कहाँ हूँ, मैं आई थी ज़ीरो, मतलब आई हूँ ज़ीरो, कल रात को मैं आई थी, मतलब पहुँची थी यहाँ पर और शाम को ही निकली थी कल ईटानगर से, एक्चुअली कुछ काम था उसी बहाने मैं घर आई हूँ। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ का व्यू देख रही हूँ। अभी ज़ीरो में धान कटिंग का सीज़न चल रहा है, आई मीन हार्वेस्टिंग का सीज़न चल रहा है, तो इसीलिए पूरा पीछे में ऐसे रूखा सूखा पड़ा हुआ है और ठंड आने वाली है। अभी कैसे शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि गैप हो गया ना ब्लॉगिंग बनाते, इसीलिए तो आज का दिन हम यहाँ स्पेंड करेंगे, तो मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी ब्लॉग में आके, तो बने रहना और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस ज़ीरो का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म होता है। ट्रैफिक में फंसने के बाद हम शाम को निकले थे, ट्रैफिक में फंसने के बाद बहुत देर तक फंसा, आई गेस
एक घंटा ज़्यादा हो गया था ट्रैफिक में हमारे पस्ते हुए एंड इसके बाद हम तो रात को जीरो पहुँचे थे। फिर मैंने सोचा कि ज़ीरो एक्सप्लोर करूँगी, ज़ीरो में क्योंकि कॉस्मोस का सीजन चल रहा था तो एक्सप्लोर करेंगे, उसको व्लॉग बनाएंगे, बट नहीं बनाया मैंने। बहुत बोरिंग हो गया था, मतलब मुझे मैं काम में भी लग गई थी। इसके बाद हम लोग उसी दिन येचुली भी गए थे बहन के हॉस्टल में, उनको सामान पहुंचाना था, मम्मी के साथ हम गए थे। ऐसे करके आना जाना करके लेट हो गया, तो ब्लॉगिंग करने का सोचा मैंने बट नहीं किया, तो ज़ीरो का ब्लॉग बस यहीं तक था। एंड अभी आगे का ब्लॉग होगा जो कि आज का है, आई मीन आप लोग कल देखोगे तो वो कल का क्या बोले उसका है, तो जो भी मैं डेट मेंशन कर दूँगी। तो ज़ीरो का ब्लॉग बस यहीं तक था, घर में इंट्रो में ही ख़त्म हो गया। मैंने सोचा कि आगे मैं बनाऊँगी, आप लोगों को कॉस्मोस दिखाऊँगी, बट अब मैं जब गई थी तब थोड़ा सा एंडिंग ही चल रहा था ना, मतलब ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग ख़त्म हो ही गया था, कॉस्मोस का सीज़न भी मतलब थोड़ा ठंड आ रहा था ज़ीरो में, तो वो थोड़ा सा ऐसे ख़त्म हो रहा था इसीलिए, बट था कॉस्मोस था आप लोगों को दिखाने के लिए था। मेरे पास फोटोज़ वगैरह है और सकने से मैं डाल दूँगी। तो या ज़ीरो का ब्लॉग बस इतना ही था, तो आज भी मैंने कुछ प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया। अचानक से याद आया क्यों ना आई है तो चलो कुछ वीडियो कर लेते हैं, तो उसमें वॉइस ओवर करके डाल दूँगी, मैंने ऐसे सोच के बनाया था, तो अभी मैं डाल दूँगी देखना। तो गाइस ये सबसे रिसेंटली व्लॉग है, आई मीन मैंने व्लॉग बनाने का सोचा भी नहीं था, बस ऐसे ही आ गए थे तो सोचा बना ही लेते हैं कुछ, तो इसके बाद मैं डाल दूँगी, ऐसे करके मैंने सोच कर वो इमीडिएट में बनाया था। इसीलिए मैं घर से निकलने वाली या फिर रास्तों का कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया था। तो यहाँ हम बस ऐसे ही गए थे बागान देखने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों बाद गई थी, बाकी लोग तो जाते रहते हैं। तो हमने यहाँ पर मीट चिकन रोस्ट किया और कुछ नहीं, बस ये सब खाया, और ये बागान के सब्ज़ी थे जो हमने तोड़ कर कच्चा खाने के लिए चटनी बनाकर मैंने यहाँ पर धोया, और इसके बाद इसको मैं उसके साथ बनाने वाली थी मिमी के साथ, जो कि यहाँ बहुत खाया जाता है मिमी, जो कि फ्राइड नूडल्स होता है जो आप लोग भी शायद जानते हो। तो उसी के साथ बनाने के लिए मैं ये पट्टे धो रही थी, और मैं यहाँ अपने वीडियोग्राफर को इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि आप ऐसे खींचो, बट इतना कुछ खास तो नहीं बना आज का व्लॉग भी है, मतलब ये जो वीडियो है वो भी बस रैंडमली मैंने बनाया है। आप लोगों को आई होप अच्छा लगे, एंड क्या बोलूँ दोस्तों, ब्लॉग नहीं बन रहा है आजकल, आई मीन नहीं बना पा रही हूँ मैं, मेरा मन दिल नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, अभी तो बस डाउन्स 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 ही लग रहे हैं मुझे लाइफ के, तो इसीलिए करेज जो होता है वो सब अभी बिल्डअप वापस से नहीं हो रहा, मतलब आई मीन नहीं हो रहा, क्या कैसे कहूँ, आई नो आप लोग समझ रहे होंगे, तो क्या कहूँ मैं, इसीलिए मैं व्लॉग वगैरह नहीं डाल रही थी। मैं रोज़ सोचती हूँ कि डालूँ आज तो कुछ बना लूँ, बट नहीं बना पाती, मतलब हिम्मत नहीं होता। और ये है हमारे बागान में खुद से उगाया हुआ, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन का, यहाँ पर साग है, लाई पत्ता कहते हैं हम लोग, और ये पम्पकिन का जो होता है लीव्स वो अभी ग्रो हो रहा है, और यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल्स है, ये पम्पकिन और उसके बाद लाई पत्ता को क्या कहते हैं, स्पिनिच तो अलग होता है आई गेस, आई डोंट नो क्या बोल रही हूँ मैं। और यहाँ पर ऊपर में बम्बू की कटाई चल रही थी, बम्बू को हटाएंगे, मतलब ये जो ज़मीन है उसमें बम्बू ज़्यादा वो हो रहा था इसीलिए, तो उसको हटा करके वहाँ ऊपर में हम लोग बागान और एक्सटेंड करने के लिए सोच रहे थे। और ये है बागान का नज़ारा, वीडियो थोड़ा सा ब्लरी हो गया है क्योंकि शाम हो गया था इसीलिए, और मैं यहाँ कर रही थी अपनी वीडियोग्राफी स्किल को वापस बिल्डअप करने के लिए, जो कि मुझसे नहीं हो रहा था, मतलब मैं दिमाग में सोच रही थी कुछ और वीडियो में निकला कुछ और,
क्योंकि बहुत बहुत गैप हो गया है वीडियो नहीं बना के। आप जितना कंटिन्यूसली बनाते रहते हो या तो कुछ भी आप लाइक जो भी करते हो कंटिन्यूसली करते रहते हो तो आपका प्रैक्टिस बन जाता है, तो आप उसमें आप खुद ब खुद परफेक्ट हो जाते हो। तो इसके बाद अगर चूट जाता है तो वो थोड़ा सा दगमगा जाता है, तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। अभी मैं वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बहुत गैप हो गया था। तो यहाँ पर ये लाईपट्टा बंडल में बांध कर बेचने के लिए। एंड ये गाइस ये रहा मिमी चटनी, लास्ट को मैंने बनाया था, मतलब काट के तो मैंने सब्जी रख दिया था, इसके बाद जो फ्राइड नूडल्स होते हैं उसको लास्ट में डालना क्योंकि बाद में शुरू में डाले तो गीला हो जाना था इसीलिए। तो गाइस यहीं तक था वीडियो ब्लॉग, जो भी टुकड़ा टुकड़ा करके जो मैंने जोड़ रखा है, मतलब जोड़ कर जो मैंने एडिट किया है वो बस इतना तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, इतना तो इंटरेस्टिंग नहीं है बट प्लीज़ पसंद करना, आई मीन ज़रूर से देखना। एंड जो जो मेरे ब्लॉग जो जो मेरे चैनल में नए हैं, वेलकम, दिस इज़ तारु मीना और थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग में मेरे चैनल में आने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, आप लोगों का सपोर्ट अब इसे बढ़ते 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 जाएगा तो मेरा आई एम देम श्योर कि शायद मेरा जो बिल्डअप मेरा जो इनसिक्योरिटीज़ है जो लाइफ से लेके जो प्रॉब्लम्स है वो सब आई नो वो सब कम हो जाएगा अगर आप लोग मेरा मुझे साथ दोगे। तो आई डोंट नो कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, बहुत बोलने के लिए एक्चुअली बहुत कुछ है बट लेट्स जस्ट लीव इट राइट, मतलब अभी यहाँ छोड़ देते ये सब बात मैं करना नहीं चाहती। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरा व्यूज़ भी बहुत कम हो गया आई नो क्योंकि मैं दाल ही नहीं रही हूँ। तो नेक्स्ट बार ब्लॉग बनाऊंगी मैं और दिखाऊंगी क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, ए डे इन माई लाइफ होने से भी बनाने की मैं ट्राई करूंगी। और मैं कुछ बोलने वाली थी मैं भूल गई, तो यही एंड करते हैं ब्लॉग वीडियो जो भी आज का। गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर, और मेंटल हेल्थ से सब लोग आई नो जूझ रहे हैं और उसको फाइट करना, सब लोग हारना नहीं। ओके गाइस बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।